जैसे कि ये है, ये पिट है, इसको बोलते हैं पिट्स। तो जैसे कि यहाँ पर मिट्टी है, तो हमें जैसे कि अगर मिट्टी में अगर भाग रहा है, कच्ची मिट्टी में चल रहा है, ये है वो है, बॉडी फॉल है, तो एक ही जगह पे आप कैसे स्पॉट रनिंग? हाँ, इसको स्पॉट रनिंग है। हम माइक लगा देते हैं। तो जैसे कि अभी सपोज ये माइक पोजिशन होती है, ये माइक पोजिशन है और मैं यहाँ पर ऐसे फिल्म देख रहा हूँ, और अगर आर्टिस्ट ने अगर चप्पल पहना है तो मैं चप्पल कर दूंगा, अगर जूता पहना है तो मैं जूता पहनूंगा। तो अभी ये मिट्टी वाला साउंड है, टेक करें। स्क्रीन में जो हो रहा है वही आप यहाँ कर रहे हैं? जी जी। और उसमें ऐसे कि उसके मूवमेंट कैसे है, कभी वो भाग रहा है, कभी वो स्लो चल रहा है, उसमें तो खूब रीटेक होते होंगे। हाँ, उसमें होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा कि सिंक नहीं आया या फील नहीं आया या कुछ सरफेस में कुछ मिट्टी कम ज़्यादा हो गई, तो इंजीनियर पीछे से हमको गाइड करता है, तो उस हिसाब से हम लोग रिटेक करते हैं। तो ये हो गया। दूसरा है कि ये पिट है ग्लास कांच ब्रेकिंग, इसमें बहुत सारे कांच टूटे हुए, जैसे कि हमको तो सच के कांच है, बॉटल तोड़ना है या कुछ कांच तोड़ना है, तो इस पर कई बार रिस्की भी होता है, लग भी जाता है हाथ को, तो हम ये सब ये लाइफ देते हैं। ये वो शुगर वाला कांच नहीं है जो शुगर नहीं, बनता नहीं, फिल्म ये सब ये रियल कांच है, सभी सब कांच है। जैसे चोट समझ लो, बॉटल तोड़ना है, कांच तोड़ना है, जो इस तरह जो भी है कांच में चलना है, वो भी साउंड हम इसमें देते हैं। तो ये स्टॉक से नहीं देते राशिद, ये कांच का साउंड है, छोटा-मोटा भी स्टॉक से मिलता है। अच्छा, बट लाइव में जो है यहां पर भी करना पड़ता है। अच्छा, लाइव में जो मिल जाता है संभाल हिसाब से उसमें नहीं मिल पाता है। एक पिट है जैसा कि इसमें वुडन सीढ़ी के लिए अगर कोई फुटस्टेप्स देने के या वुडन सरफेस है तो उसके लिए ये है, इस पर हम उठ कर फुटस्टेप वगैरह देते हैं। और मिट्टी सैंड ग्रास वगैरह, ऐसा ग्रास का अगर देना है तो अभी हमने ग्रास किए ऐसे ये पैड लाके रखे हुए, तो अभी ग्रास पे अगर आर्टिस्ट चल रहे हैं तो हम लोग, अभी तो छोटा है, काफ़ी बड़े भी आते हैं, तो हम इसके ऊपर ये मिट्टी है, सैंड है, जैसे कि अलग सरफेस, जैसे ज़्यादा मिट्टी ज़्यादा सैंड है, इसमें कुछ मिक्स है, उससे अलग इसमें टोन आएगा। तो राशिद, माइक कौन से हिसाब से नक्की करते हो कि मुझे इस साउंड के लिए ये माइक लगाना है या उस साउंड के लिए? मोस्टली हम लोग नॉयमैन U87 ही यूज़ करते हैं। अच्छा, फॉर ईच एंड एवरी साउंड। अच्छा, उसमें बॉडी अच्छी मिलती है। ओके ओके। अब जैसे कि यहाँ पर जितना भी सामान पड़ा हुआ, जितनी प्रॉपर्टी पड़ी है, सब ये इस्तेमाल की, जैसे ट्रॉली बैग हमने बुलाया है, ट्रॉली बैग है इधर, ये जैसे कि ये सूटकेस पड़ा हुआ है, हाँ, और ये कोकोनट का जो है, इससे हम नॉर्मली जो है तो घोड़े के जो फुटस्टेप्स होते हैं जी, वो देते हैं, घोड़े के फुटस्टेप्स है, और जितने भी जूते चप्पल यहाँ पड़े हुए हम अलग अलग तरह के, जैसे खटिया है, ये टेबल है, ये ग्रिल पड़ी हुई है, बोनेट पड़ा हुआ है, तो इस तरह के जो सब हमको इसमें साउंड क्रिएट करनी पड़ती है, ये सब इस्तेमाल की चीज़ें, इसके बिना काम नहीं होता। हाँ, जो भी अगर क्रिकेट का है तो बैट लाना पड़ेगा, हॉकी हॉकी स्टिक लाना पड़ेगा, हाँ, अगर जाली, अगर किसी अगर इसको इस पे जाली पे ऐसा हाथ रख रहा है तो इसका इस्तेमाल करना है, और अगर बॉडी फॉल है उसका तो हम ग्लव्स वगैरह पहन के हाथ में जो है तो इसके ऊपर बॉडी फॉल देते हैं। और ये जो तो बेसिकली हम ट्रेन वगैरह के जो सरफेस होता है अंदर का, जैसे ट्रेन पे दौड़ रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये व्हील चेयर है, साइकिल है, यहाँ पर पाइप है, अगर पाइप पे अगर सपोज किसी ने आगे अगर टाइप किया है, आर्टिस्ट ने आकर के उसको, तो हम लोग पाइप का इस्तेमाल करते हैं। पर यूजुअली ये सब क्या फाइट सीक्वेंसेस में यूज होते हैं? नॉर्मली भी अगर एक आदमी आया, उसने किस चीज़ को टच किया, एक आदमी आया, उसने अगर टेबल पे अगर वो उसने हाथ मारा, टाइप किया, ऐसा किया, तो चाय का कप रखा तो भी, हाँ, जो भी है, तो हर चीज में जैसे चुटकी हो जाए, क्लैप किया, क्लैप भी देनी पड़ती है, तो इस तरह का मामला है, अगर जेब में हाथ डाला है, जेब से कुछ चीज़ निकाली है,
अगर कीज अगर घुमा रहा है, कोई चीज़ गिरी है, कप सासर है, चाय पी रहा है, चाय पीने की सिप भी हम देते हैं, गल्प की साउंड देते हैं, अच्छा। खाने की साउंड भी हम देते हैं खाना बुला करके। तो इस सब तरह की चीज़ें, अगर सपोज एप्पल खा रहा है तो हमें एप्पल बुलाना पड़ता है, एप्पल का साउंड तो एप्पल से आएगा, तो हमें भी एप्पल खाना पड़ता है। करेक्ट। और अगर सपोज कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, टी है, तो टी हम नॉर्मली जैसे टी में अगर हम जो रियल टी है वही पीने वाली चाहिए वही लेके आते हैं, ताकि उसमें एक थिकनेस होता है और उसमें एक गर्म का एक फील आता है। तो जब हम उससे बोरिंग करते हैं तो उसका एक अलग साउंड आता है। अगर हम सिर्फ पानी बोर कर देंगे तो उसका वो फील नहीं आएगा चाय का, टी का फील नहीं आएगा। अगर थम्सअप खोल रहा है तो थम्सअप हम बुलाते हैं, या जो भी है कोल्ड ड्रिंक है, और जो है तो इससे ओपनर से हम खोलते हैं उसको। और बहुत सारी चीज़ें हैं क्रिएट की जाती है जो देखी जाती है उस वक्त पे जी जी सिचुएशन के हिसाब से, कौन सी चीज़ क्या चीज़ का सूट हो रही है उस हिसाब से। एक बार थैंक यू ये सब दिखाने के लिए। वेलकम एंड राशिद, सो इफ यू कैन जस्ट रैप दिस अप बाय टेलिंग अस के ऑन एन एवरेज, एक तो ये कब शुरू होता है प्रोसेस, फिल्म जब बैकग्राउंड स्कोर चालू होता है तब आपके पास ये सब अफोली के लिए आता है या एज सून एज आई गेट अ फाइनल एडिट, एक बेसिक एडिट आ जाता है, दैट्स अ फाइनल एडिट नो। हां फिर ऐसा नहीं कि उसको नहीं, उस पे भी कभी-कभी बहुत सारे एडिट्स आते हैं। ऐड तो नहीं होता होगा कि होता है? ऐड भी होता है, ऐड भी होता है। ओके, वी हैव टू लाइक री एडिट द ईच ईच एंड एवरी रील अकॉर्डिंग टू द, सो फोली कम्स द आउटपुट दैट यू गिव फ्रॉम हियर हां गोस टू हु? It goes to the tracking room where they premix it. Premix it as in they will level it according to the effects which they have. Okay. उसको कम किधर करना है, वैसे मैं basic leveling करके देता हूँ. Right. But panning है, कोई left to right जा रहा है तो he has to pan it. Correct. All those things happen in the premix stage. And premix is almost the final. Yeah, it is almost the final. उसके बाद फिर जो फाइनल मिक्स होता है वो फिर फाइनल मिक्सिंग रूम में होता है, जो जहाँ पर म्यूजिक इफेक्ट्स एंड डायलॉग्स को फाइनल मिक्स करते हैं। बिल्कुल लीजिए, आप बड़े बड़े स्टोर्स रखे हुए हैं ना। राइट, सॉरी थोड़ा और देख लेते हैं। प्रॉपर्टी रखी हुई है, स्टोन्स रखे हुए हैं, तो कई बार स्टोन्स अगर गिर रहे हैं या स्टोन्स के ऊपर अगर फूस्टेप है, मतलब गब्बर टाइप कोई सीन करना था, हाँ तो उस तरह का ये सब है। जितने सामान यहाँ पर, ऐसे जग है, ये एक बर्तन रखा हुआ है पानी का, ये सब सामान इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन है, जो जो चीज़ें हम वो वही चीज़ें हमको बुलानी पड़ती है जी। ऐसा कारपेट है, यहाँ पर जो कारपेट है, अगर कारपेट के फुटस्टेप से तो हम ये कारपेट के ऊपर देते हैं, और अगर फ्लैट वुड है, सरफेस वुड है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा वुड है इस स्टूडियो में, तो हम ये वुड के ऊपर फुटस्टेप देते हैं। अगर कोई डिफरेंट तरह का वुड है तो इसके लिए ये पिट पे अलग बना के रखा हुआ है। तो आपको हर चीज़ माइक करनी पड़ती है जी, एंड लेवलिंग ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट डोर्स ऐसा लैच खोला है, नॉक कर रहे कोई, तो इस तरह का सब चीज़ें है, अलग अलग तरह के डोर्स। तो जो भूत बंगला इफेक्ट आता है वो जो आवाज वैसे वो तो ज्यादा उसमें फॉली में आता है, उसमें स्टॉप में आता है। डोर से अलग अलग तरह लैचेस है, विंडोज है। राइट, इकबाल भाई वंस अगेन थैंक यू, काफ़ी डिटेल में आपने बताया। वेलकम सर, थैंक यू राशिद फॉर शेयरिंग योर व्यूज एंड योर एक्सपीरियंसेस ऑन दिस होल प्रोसेस ऑफ फोली रिकॉर्डिंग।